तो भाई हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है, क्योंकि ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक शिकंजा कस दिया है। क्या शिकंजा कस दिया है? ये शिकंजा कसा है कि भाई जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वियो, चाहे वो BSNL हो, जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, अगर इन्होंने आपसे ज़्यादा पैसे लिए हैं, मतलब कि आपको ओवर चार्ज करके जो प्लान है वो दिए हैं, तो ये सारी कंपनियां आपको रिफंड करेंगी। मतलब कि इन्होंने अपने प्लान से आपसे ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो जो ज़्यादा पैसा लिया है वो आपको और हमको रिफंड करेंगी सारी टेलीकॉम कंपनियां। बट ये रिफंड भाई साहब मिलेगा कब तक, और क्या नया रूल लेके आया है ट्राई कि सारी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने की ज़रूरत पड़ गई है? तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्राई ने कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैटरिंग एंड बिलिंग एक्यूरेसी, जो इन्होंने नया रूल एंड रेगुलेशन जो लागू किया है, जो लागू होगा जनवरी 2024 से। और मैं बता दूं, इनके पहले भी मतलब के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो चेंज होते रहते हैं, जब भी इनको लगता है कि चेंज करने चाहिए। सो बात कर लें, ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोला है कि नए साल से पहले पहले, मतलब के नया साल आने में अभी 3 मंथ बाकी हैं, तो 3 मंथ से पहले पहले आपको क्या करना होगा कि ऑडिटर से ऑडिट करवाना होगा, ये जो अपना सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी बिलिंग है, जो भी आपके दस्तावेज है, वो आपको सारा कुछ लेके हमारे पास जाना होगा, ट्राई के पास जाना होगा, और जो इनका ऑडिटर है वो चेक करेगा कि इन्होंने ओवर चार्ज तो नहीं किया कस्टमर से। अगर प्लान से इन्होंने ज़्यादा हमसे ओवर चार्ज किया है तो इनको रिफंड करना होगा। सो बात कर लें कि यदि टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के निर्देश के अनुसार अपनी रिपोर्ट वो ट्राई को नहीं सौंपती, मतलब नहीं देती, तो इनको 50 लाख प्रति रिपोर्ट का जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी की सिम यूज़ कर रहे हो और जब ट्राई को ये कंपनी अपनी रिपोर्ट देगी और ट्राई को ये लगेगा कि किसी भी कंपनी ने अगर कंज्यूमर के साथ, हमारे साथ या फिर आपके साथ ओवर चार्ज किया है, तो वो पैसे कैसे वापस मिलेंगे। सो उसके बारे में बता देते हैं कि ट्राई ने बताया है कि तो ओवर चार्ज की गई कुल राशि के प्रतिशत के रूप में फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव लागू करने का भी आदेश दिया है। मतलब के आपको छूट दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी को ट्राई ने पकड़ लिया कि वो हमसे ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो हमें वो पैसे कैसे वापस मिलेंगे जो ओवर चार्ज किए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा प्रतिशत के रूप में। सो ये खबर निकल के आ रही थी, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तो ये कंपनियां सच में हम सबको लूटा है, तो ट्राई इनके मगर हाथ धो के मगर पड़ने वाला है। तो भाई अगर तो ये सच में कंपनियां कंज्यूमर को लूट रही है, तो भाई ये तो डरेंगी ही, और अपनी रिपोर्ट है वो ट्राई को नहीं सौंपेगी। और सीधी सी बात है भाई, अगर नहीं सौंपेगी तो जुर्माना तो इनको लगेगा ही लगेगा, जो कि प्रति रिपोर्ट का 50 लाख रुपया हो सकता है। सो मेरे भाई ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी। अगर भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी तो लाइक जरूर करके जाना। हाँ मेरे भाई, अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट जरूर करके जाना। हाँ मेरे भाई, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेल हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग। जय हिंद।